गोडसे ने लॉजिक दिया कि इसी की वजह से विभाजन हुआ, मार दो जिन्ना को, नहीं समझे, माउंटबेटन को ना, अंग्रेज को कैसे मारेंगे, हमरे मार देगा, 80 साल के बूढ़ा को मारो। गुजरात का एक व्यापारी था, कहाँ का, गुजरात, बहुत बड़ा व्यापारी था, नाम था उसका दादा अब्दुल्ला, क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था और इसी सिलसिले में दादा अब्दुल्ला के किसी व्यापार में अंग्रेजों के साथ कोई विवाद हुआ था और मुकदमा लड़ना पड़ गया था। और दादा अब्दुल्ला कितना बड़ा व्यापारी था कि सोचिए 1891 में उसका गुजरात से व्यापार अफ्रीका तक था। अभी किसी का ध्यान नहीं रहता, एगो दुकान में काम हो जाता है लोगों का, सवेरे से शाम तक एक ही दुकान संभाल नहीं पाते। तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी को हायर किया गया एज ए वकील और वो लौट गए 1893, आए कब, 1891 में, और लौट गए 1893 में अफ्रीका। जब लौटे तो महात्मा गांधी वहाँ अफ्रीका में उसके लिए क्या किए थे, केस लड़े थे, किसके लिए, दादा अब्दुल्ला, जिता दिए उसका केस। इतना बेहतरीन वकील थे महात्मा गांधी, वकालत में कोई महात्मा गांधी को नहीं पीछे कर सकता था, अंग्रेजों को भी पता था आदमी बहुत खतरनाक है, समझ में आ गया कि नहीं। आप अगर पूरी इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का एक बार महात्मा गांधी से विवाद हो गया था, जिन्ना का हो गया था, भीमराव अम्बेडकर साहब का भी हो गया था। महात्मा गांधी को बोल भी सकते हैं लोग ना, क्योंकि महात्मा गांधी को मानने वाले भी महात्मा गांधी के विचारों को ही रखते हैं। थोड़ा गोडसे को बोल के देखिए, क्योंकि गोडसे को मानने वाले भी गोडसे के विचार वाले होते हैं, क्या पता। एक बात बता, गोडसे ने लॉजिक दिया कि इसी की वजह से विभाजन हुआ, मार दो जिन्ना को, नहीं समझे, माउंटबेटन को ना, अंग्रेज को कैसे मारेंगे, हमरे मार देगा, 80 साल के बूढ़ा को मारो।